आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। बेटे ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें बस एक छोटा सा फार्मूला मालूम होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या बराबर संख्या बनाम संयोजकता इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी कंपाउंड में उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीकरण संख्या हमें जिस भी तत्व की ज्ञात करना रहती है उसकी हम x मानते हैं और ये वाला फार्मूला हम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल में KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या उदासीन, इसलिए जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, के प्लस एम एन प्लस ओ फोर इक्वल किसके मानेंगे, जीरो के, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए हमने इसको बराबर माना जीरो के। जिसकी भी हमें ज्ञात करना उसकी हम एक्स मानते हैं। अब वो जो फार्मूला लिखा वही लगाएंगे, संख्या गुणा संयोजक। पोटेशियम की संख्या कितनी है 1 गुणा इसकी वैलेंस कितनी होती है पोटेशियम की प्लस 1, तो ये हमने फार्मूला लगाया संख्या गुणा संयोजक। प्लस मैग्नीज की हमको ज्ञात करना है जिसकी हम एक्स मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4 और ऑक्सीजन की संयोजकता सबको मालूम है -2 होती है इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा प्लस का 1, फिर प्लस x और यहां पर ये प्लस साइन ये माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस और 4 गुणा 8 बराबर 0। अब हम सब जानते हैं पक्षांतरण करके मान निकालेंगे, एक्स इस तरफ प्लस का ही है और माइनस का 8 इस तरफ जाएगा प्लस का 8 हो जाएगा और प्लस का 1 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। एक्स बराबर अपने पास वैल्यू कितनी आई 7। तो इस प्रकार मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर प्लस 7 है। इस फार्मूले के माध्यम से हम किसी भी एलिमेंट्स में उसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।